चलिए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको पढ़िएगा। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिको फैराड। कैपेसिटेंस आपका 10 पिको फैराड दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इज हाफ, अगर डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में हाफ कर दिया गया है, एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज अ फील्ड विद अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5, द न्यूली फॉर्म्ड कैपेसिटर विल हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ। देखिए सीधा सीधा कह रहा है कि कुछ वैल्यू दिया हुआ है और कुछ वैल्यू को निकालना। जैसे कि मान लीजिए आप जान रहे हैं कि सी जो है क्या होता है, एप्साइलन ए बाई डी, ठीक। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं क्या, सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्साइलन होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आप निकल के आ जाएगा, सी टू अपॉन सी वन इक्वल टू एप्साइलन टू अपॉन एप्साइलन वन इन टू डी वन अपॉन डी टू। ये कुछ एक फॉर्मूला बन के आएगा आपका, ऐसा करके निकल के आ गया आपका एक फॉर्मूला। अब इस पे कह रहा है कि सी वन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 पिको फराड, एप्साइलन टू का वैल्यू जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी वन का वैल्यू जो है, सी टू का वैल्यू निकालना है आपका, सी वन दिया है 10 पिको फैराड, और फिर बात कर लीजिए एप्साइलन टू की बात किया जाए तो ये दिया है आपका 5 एप्साइलन 1, और फिर जब डिस्टेंस की बात करें तो डी टू इक्वल टू दिया है डी वन अपॉन टू। क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो आपका ये निकल के आएगा, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 पिको फैराड, ये आपका जो परमिटिविटी है ये हो गया, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो बोल रहे हो ये, और फिर आपका ए यहाँ पे देखिएगा ये हाफ लिखा हुआ है आपका, ये है ना प्लेट जो है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पैरेलल प्लेट हाफ किया हुआ है, तो डी वन अपॉन टी, बस फार्मूला पर रख दीजिए। तो ये सी टू एज इट इज अपॉन में सी वन का वैल्यू 10 बराबर कर दीजिए, एप्साइलन टू की जगह पे आपको क्या रखना है 5 एप्साइलन 1 अपॉन एप्साइलन 1 इन टू, डी टू की जगह पे क्या रखना है आपको, तो पहले आप डी वन रख लीजिए और डी टू यहाँ पे दिया है, डी टू की जगह पे आप क्या कर दीजिए डी वन अपॉन टू। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा सब, सी टू इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू, ये दो दो क्या होगा ऊपर आ जाएगा 2, और ये 10 इधर कर दीजिए, 10 कितना हो गया भाई, तो ये 100 हो गया। इसी को आप लिख सकते हो 100 पिको फराड, चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है पिको फराड में, और इसको हमने चेंज नहीं किया, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 पिको फराड, ऑप्शन सी जो है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, क्लियर। देखिए तो वीडियो को जो है ना पॉज करके आप पहले एक बार खुद से कोशिश कीजिए, अगर सॉल्व कर पा रहे हैं आप खुद से तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बाकी तो सॉल्यूशन तो रहेगा ही, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप पे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 वोल्ट का एक बैटरी है, प्रयोग करके एक 800 पिको फैराड संधारित्र मतलब कैपेसिटर चार्ज किया जाता है, संधारित्र द्वारा कितनी स्थिर वैद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा संग्रहित की जाती है। देखिए कह रहा है भी जो दिया हुआ है आपका 100 वोल्ट दिया है, और सी का वैल्यू दिया है 800 पिको फैराड, बस पूछा जा रहा है एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो बोल रहा है वही पूछा जा रहा है आपका, निकाल दीजिएगा इसको, है ना। तो ई बराबर क्या हो जाता है हाफ सी भी स्क्वायर, वैल्यू आपको रखना है चुपके से और फिर आंसर मिल जाएगा 800 इंटू, और भी कितना है 100 का स्क्वायर, क्लियर है ना। पिको का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका बन के आएगा 4 × 10⁻⁶, हो गया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जूल में रहेगा ध्यान दीजिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। होप सो सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए इसको भी आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये ESIC में पूछा हुआ है, SSC JEE में इस प्रकार का ढेर सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक। देखिए कहा जा रहा है कि 10 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है जो कि 3 है, और ये श्रृंखला में जुड़े मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, सीरीज में, तो आप ऐसा कर लीजिए ये हो गया आपका 1, 2, ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है, इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ है, और पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा जब सीरीज में रहता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, सीरीज और पैरेलल बार बार आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप कर लीजिए पहले। तो ये मान लीजिए C1 है, ये मान लीजिए C2 है, ये मान लीजिए C3 है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये हो जाता है फॉर सीरीज कंडीशन, है ना, फॉर सीरीज। अब इसी में आपको अगर पैरेलल में दे दिया, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोल दें कुछ इस प्रकार से किया हुआ है,
ये हो गया आपका पैरेलल में। तो इसमें क्या हो जाता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, फिर से यहाँ पे भी नेमिंग आप कर लीजिएगा, C3 इक्वल टू हो जाता है C1 + C2 + C3, ठीक है ना। तो ये किसके लिए हो गया, फोर पैरेलल, बस हो गया। वैल्यू आपको दिया हुआ है किसमें, सीरीज में दिया हुआ है, वैल्यू रख लीजिए और निकाल दीजिए। 1 upon C equivalent = 1 upon 10 का है, 10 + 1 upon 10 + 1 upon 10, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 3/10, अर्थात जब सी इक्विवेलेंट की बात कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10/3, ठीक है ना, 10/3, देख लीजिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऐसे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर, देखिए रेसिस्टर का जस्ट उल्टा हो जाता है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, ऊपर से ये C1 C2 C3 का वैल्यू सेम है ना, तो जितना आपका वैल्यू दे रखा है ना उसको उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए। मतलब कहने का क्या हो गया, अगर C1 = C2 = C3 है ना, C1 = C2 = C3 है, अब ये दिया क्या है 10, अच्छा टोटल कितना कैपेसिटर है 3, बस आपको करना कुछ नहीं है, जितना कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है, कैपेसिटर का वैल्यू जितना है वो रखिए और डिवाइड कर दीजिए कितना से, नंबर ऑफ कैपेसिटर से, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये माइक्रो फैराड में। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो आंसर ए करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको सॉल्व कीजिए आप, ये तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला आपको करना है। द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस विथ डायलैक्ट्रिक के बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन, वेयर ए जो है एरिया ऑफ प्लेट है और डी जो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है। तो आपको पता है सी इक्वल टू क्या होता है, एप्साइलन ए बाय डी, है ना, एप्साइलन ए बाय डी, क्लियर। यहाँ पे अगर के लगाइएगा, के लगा दीजिए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको पता चला, एप्साइलन ए बाय डी, जहाँ के क्या है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसको आप ऐसा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, के एप्साइलन ए बाय डी, हो गया। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए आप, एप्साइलन डी आंसर हो जाएगा, है ना, ये वाला एप्साइलन के ए बटे डी यहाँ पे मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको देखिए तो क्या कह रहा है, हाउ इज एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट कैपेसिटर, ठीक है ना, स्पेसिफाइड, ठीक है। इसका आंसर एक बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर इसको एक बार बताइए। देखिए ऑप्शन ए जो है दिया हुआ क्या है, ओमिक वैल्यू ऑफ एंड वोल्टेज, ओमिक वैल्यू हो सकता है क्या कैपेसिटेंस में, नहीं, ओमिक वैल्यू एंड वाटेज, ये भी गलत, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस, हाँ ये हो सकता है, ये स्पेसिफाइड किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटेज एंड कैपेसिटेंस नहीं होगा, ठीक है। कभी ये सुने कैपेसिटर कितना वाट का है, नहीं ना, तो इसलिए ये वाटेज तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए। कभी ये सुने कि कैपेसिटेंस जो है कितना ओम का है, ये भी नहीं, वोल्ट आप उसमें सुने होंगे, कैपेसिटेंस तो सुने होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको पढ़िए, ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर प्लेट्स इच मेजरिंग 10 cm × 10 cm माउंटेड पैरेलल एंड अपोजिट टू ईच अदर, द वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 cm एंड डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इन एयर विल बी, है ना। इसका आप ना ऑप्शन लिख लीजिए, ये छूट गया था, 8.854 माइक्रो फैराड, ऐसे सॉल्व करते रहिए आप, देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, 8.854 पिको फैराड, 8.854 मिली फैराड और 8.854 फैराड, ठीक है ना, ये आपका यूपीपीसीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, यूपीपीसीएल 2018 का क्वेश्चन है ये आपका, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए एरिया दिया हुआ है ना, एरिया हो गया कितना, 10 × 10 मैंने 10 10 cm, इसको हम कह लें 100 × 10⁻⁴ हो गया, आगे बढ़ो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, इसको ऐड कर सकते हो तो ये भी हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा डी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना, डी कितना दिया हुआ है, 1 cm, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10⁻²। चलिए आगे एप्साइलन
नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है, याद रखने वाली बात है ये, याद रखेगा 854 × 10⁻², फराड पर मीटर, ध्यान दीजिएगा फराड पर मीटर याद रखिएगा, एप्साइलन का यूनिट होता है, ये भी पूछा जाता है आपसे। ठीक, अब फॉर्मूला है सीधा सीधा रख दीजिए और क्या, आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा एप्साइलन AyD। एप्साइलन का वैल्यू कितना, 8.854 × 10⁻², एरिया कितना आ गया भैया 10⁻², और डी वैल्यू कितना है 10⁻²। करेक्ट आंसर यहाँ पे ये खत्म, बच क्या गया 8.854 × 10⁻²। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8.854 pF, है ना। तो यहाँ से देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी है ना, ये pF। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, थ्री कैपेसिटर ऑफ 3 μF, 6 μF एंड 12 μF आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एन एसी सोर्स, द मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द 3 μF, 6 μF और 12 μF। ये UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये कुछ इस तरह से आपका तीन कैपेसिटर है आपका लगा हुआ, जो कि किसमें है, पैरेलल में है ना, एक का वैल्यू 3, एक का वैल्यू 6, एक का वैल्यू 12। यहां से आप देखिए पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम करंट किसके द्वारा फ्लो करेगा। सबसे पहले तो अगर हम आई की बात करें तो भी बटे हो जाता है एक्स सी, और एक्स सी की बात करें तो वो हो जाता है 1/2 πfSc, है ना, क्लियर है ना यहां तक, 1/2 πfc। अब यहां से अगर हम बोले कैपेसिटेंस का वैल्यू, अगर कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्स सी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और एक्स सी का वैल्यू अगर घटेगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम ऐसा कह लें क्या, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, जितना ज्यादा कैपेसिटर का वैल्यू होगा उसके क्रॉस करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से जो 12 जो है आपका 12 μF है, जो 12 μF है ठीक है ना, उसके क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आई बात, तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए देखिए, दो आवेश के बीच बल जो है 80 न्यूटन है, यहाँ देख लीजिए एफ जो दिया हुआ है 80 न्यूटन दिया हुआ है, यदि अन्य सभी चीजों को स्थिर रखते हुए दोनों आवेश के बीच दूरी दुगना कर दिया जाए, डिस्टेंस को जो है वो दुगना कर दिया जाए, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 times है ना, तो दोनों के बीच नया बल क्या होगा। ठीक ना, पहले तो आप ये जानिए कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, Q1Q2/4πε₀ε₁, ε₁ आर कर सकते हैं और d² कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d², आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, f1/f2 = d2/d1² बोलिए कोई दिक्कत नहीं। f1 कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, यहाँ 80 होगा 80 न्यूटन/f2 बराबर d2 कितना दिया हुआ, 2 times of d1 है ना, बस हो गया, और क्या, ये क्या हो गया 4। अब यहाँ पे f2 की बात कर रहा है तो 80/4 मतलब कितना 20। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 0.01 mF, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ 0.01 mF एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर इज 20 वोल्ट, भी दिया हुआ है क्या 20 वोल्ट। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे भी। तो यहाँ पूछा क्या रहा है, क्यू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी भी, सी का वैल्यू क्या हो गया 0.01 × 10⁻³, ठीक है ना, क्लियर। और इसको भी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, गुना कर दीजिए, गुना करके आपका जो आएगा लास्टली आंसर क्या होगा, ये तो एज इट इज रख दीजिए, आपका इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 0.2 mF रख दीजिए कूलम, या ध्यान रखिएगा चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया। देखिए SSC JEE का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सही कर पाए तो आपका रिजल्ट, नहीं सही कर पाए तो गड़बड़ा जाता है।
कुछ क्वेश्चन के कारण ही रिजल्ट रुकता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटर, अभी तुरंत बताएं। सी बराबर क्यू बटे भी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्यू जहाँ पे क्या है कूलम, और भी जो है वो क्या है आपका वोल्टेज। चलिए 11वां क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज, बोला जा रहा है कि अगर मान लो एन नंबर ऑफ कैपेसिटर आपका पैरेलल में आप कर देते हो, कनेक्ट करके रखते हो ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा करके कुछ कनेक्ट करके रखते हो, तब जो बोला जा रहा है कैपेसिटेंस, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होगा क्या होगा, इक्वल टू द लार्ज कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जैसे मान लेते हैं ये 2, 5, 7 और 9 कुछ इस तरह से हम मान लीजिए, ठीक है, फराड में। तो अब यहाँ से इसको रख के आप समझ लीजिएगा, इक्वल टू द लार्ज कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्या इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा क्या ये लार्ज कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ कहने का मतलब है 12, 13, 14, तो मान लीजिए टोटल हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और इसको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। ये 16 हो गया, 21 हो गया, 22, 23 हो जाएगा, सॉरी, ठीक, ये 23 हो गया। क्या ये 9 के बराबर है? नहीं, है ना। तो ये पहला वाला क्या होगा, गलत। लोअर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटी, लोअर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटी, क्या यह 9 से आपका कम है? नहीं, ये भी गलत। मतलब ये भी आपका क्या होगा, गलत। लोअर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस, क्या यह जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया हुआ 2 से भी आपका कम है? नहीं, ये भी गलत। आगे बढ़िए, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस, क्या यह लार्जेस्ट कैपेसिटेंस से बड़ा है? बिल्कुल हाँ, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए इसको। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा इन माइक्रो फैराड ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर इज ए 40 वोल्ट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है आपका दिया हुआ है 40 वोल्ट, एंड द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 8 मिली कूलम, ठीक है। चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 मिली कूलम। अरे ये तो सिंपल हो गया ना, ठीक है ना, निकाल दीजिए इसको। सी बराबर क्या हो जाता है, क्यू बटे भी, क्यू बराबर क्या 8 मिली कूलम बटे 40। बस इसको सॉल्व करना है आपको, वैल्यू जितना भी आ जाए रख दीजिए, है ना। ये हो जाता है 0.2, काटिएगा तो 0.2 आ जाएगा आपका into 10 to the power -3, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर में दे रखा है सीधा सीधा, तो हम इसको क्या करते हैं 0.2 को गुना 10 पे पावर 3 से कर देते हैं, बटे 10 पे पावर 3 करते हैं, गुना 10 पे पावर -3 छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 200, और ये हो गया हमारा क्या 10 पे पावर -6 फैराड, मतलब 200, ठीक है ना, 200 माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड, देख लीजिए आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, 200 माइक्रो फैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट अफेक्ट्स द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा उतना बर्बाद होगा आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उतना आपका खराब होते जाएगा। तो आप कह लीजिए प्रत्यक्ष आपका क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब किसी का भी करिएगा ना तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना ज़्यादा प्रभावित होगा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाइए 15, 14 में। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ अ 4 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, देख लीजिए इसका भी आप कर चुके हैं ऑलरेडी। कहा जा रहा है कि ये आपका 4 कैपेसिटर दिया हुआ है, सबका वैल्यू समान है ना, तो फिर आपका क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ये निकाल, एक कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, राइट ना। सबको इसका जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई सी है, 4 ना भैया हो गया। अरे ऐसा कर लो, इसका एलसीएम जब निकालोगे तो क्या होगा सी, बाकी सब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर में क्या 4 बटे सी, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, सी बटे 4।
क्लियर, ठीक है ना। तो सीरीज में किया तो आपका क्या हो गया, C/4। देखिए आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी तुरंत बताए थे इसके आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर कैपेसिटर ऑफ 15 mF आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चार कैपेसिटर है जिसका वैल्यू क्या है आपका, ये हो गया आपका चार कैपेसिटर जो कि किसमें है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक ना। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन मिली फैराड ऑफ द कॉम्बिनेशन। और आसान है, 15 15 दिया हुआ है, ये भी मिली में ही है, सबको जोड़ देना आपको, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 कितना हो गया भैया, 60, राइट, 60 mF। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए इसको करिए आप, आसानी से कीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट कीजिए। तो आप द टू मेटल प्लेट्स हैविंग एरिया 50 स्क्वायर मीटर आर सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग थिकनेस ऑफ 4 mm एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 9। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। सिंपल है ना, फॉर्मूला सिर्फ आपको रखना है और रख देना है। एरिया इक्वल टू कितना दिया है, 50 मीटर स्क्वायर, और थिकनेस की बात करें तो यहाँ से आपको एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो एरिया निकाल लीजिएगा, एरिया हो गया, थिकनेस आप कर लीजिए 4, मतलब डिस्टेंस ना, ये ऐसा रहा कैपेसिटर है इसके बीच का, ये रहा आपका थिकनेस, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस। तो ये हो गया हमारा क्या, 4 दिया हुआ। और बात कर लीजिए किसका, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, तो मतलब एप्साइलन दिया हुआ आपका कितना, 9, है ना। एप्साइलन या रिलेटिव परमिटिविटी इसको करते हैं आप, बस वैल्यू आपका सी पूछा जा रहा है, सी बराबर क्या होता है, एप्साइलन ए बाय डी, जहाँ पे एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर होता है, ए बाय डी वैल्यू रखना है, और क्या, 8.854 × 10⁻²− 12 इंटू एप्साइलन आर का वैल्यू क्या दे रखा है, 9, इंटू एरिया आपका कितना भैया, 50, और डी कितना है, 4 × 10⁻³, याद करो यहाँ पे 2 mm में है, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके करिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 0.996 μF, ठीक है ना, ठीक है ना। जब इसको जैसे ये आंसर एक्चुअली में इसका आएगा 9 9 6, ऐसे मतलब रुक जाएगा, इसको 1 मिनट कैलसी से यूज करने दीजिए आपको थोड़ा सा। ये आंसर जो आएगा ना, 995.625 × 10⁻¹⁹ आएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.996 कर देते हैं, राइट, माइक्रोफराड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको आप बनाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी जेई में पूछा हुआ 18 में। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसके बीच का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये ब्रिज का कंडीशन है, और ये आपको ध्यान रखना है कि क्या यह ब्रिज आपका बैलेंस है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना, आमने सामने का जो भुजा है उसका वैल्यू आप क्या करिए, गुना करके देख लीजिए, मैंने 5 × 10 बराबर 10 × 5, हाँ बराबर है, ठीक है ना, तो मतलब ये क्या है, बैलेंस। जैसे ही बैलेंस रहा ये वाला आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, बीच वाला क्या होगा, खत्म हो गया, बस अब नया सर्किट बना लीजिए आप ऐसे करके, कुछ देखिए, एक ये और उसके बाद एक ये, ऐसा बन गया, फिर आप कुछ इस तरह से ऐसा बना दीजिए, देखिए दो सर्किट बन गया ऐसा, एक सिंपल हो गया, इसका वैल्यू कितना, 5, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 5, और इसका वैल्यू 10, सिंपल है ना। तो यहाँ से आप अगर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ऐसा कहें क्या, 10 × 5 हो जाएगा, और बटे 10 × 5 हो जाएगा, अब प्लस, फिर इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 × 5 बटे 10 × 5, ये किसका कर रहे भैया, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये सीरीज में है, फिर इसको है सीरीज में, उसके बाद क्या है, पैरेलल में, दोनों को हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 50 नहीं, यह प्लस होगा ना जी, दस प्लस 5, 50 बटे 15 प्लस 50 बटे 15, मैंने 2 × 50 बटे में
ठीक, मैंने कि काले जी आप 100/15 छक्के 90 75 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6 पॉइंट। अच्छा इसका ऑप्शन आप लिख लीजिए, नहीं लिखा हुआ है ना। ऑप्शन ए है आपका इसका 6.7। देखिए ये सब क्वेश्चन ना आप मतलब ऑप्शन पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, 10.7, 10.7 जाएगा। देखो तो आंसर 6 पॉइंट पूछा रहा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 6.7 आ जाएगा माइक्रोफैराड। ठीक है ना, सारा चीज माइक्रोफैराड में, तो आंसर भी आपका किस में रहेगा, माइक्रोफैराड में ही रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओनली एंड ओनली क्या कैपेसिटर, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इसको कीजिए आप, ये भी देखिए एसएससी जेई का क्वेश्चन है पूछा हुआ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है इसके बीच में, पहले तो ध्यान दीजिए ये तीनों आपका क्या है सीरीज में है, 1/4 + 1/10 + 1/40। एलसीएम ले लीजिए क्या, 40 10 + 4 + 1 15/40 कुछ हो जाएगा ऐसा। बोलिए 15/40 आएगा, इसको सॉल्व करिएगा 2.66 आ जाएगा माइक्रो फराड। ये आ गया क्या, ये तो अभी इसमें आया है, अब हमारा पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हमारा सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 20 + 2.66 माने कि 22.66 है, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है माइक्रो फराड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए आप। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसका आंसर आप बताइएगा ठीक है, कमेंट करके इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, सही होगा तो मैं आपको हार्ट दे दूंगा, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर सही है, क्लियर ना। तो आज हम लोग यही 20 क्वेश्चन को रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और नए 20 क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद।